पहनना किसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि इस महंगाई के दौर में इतने महंगे परफ्यूम्स कौन खरीदे। मैं भी नहीं खरीद सकती। लेकिन शालमी मार्केट में एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे लाखों के परफ्यूम्स, जिनके बहुत ज़्यादा परफ्यूम महंगे जो होते हैं वो हज़ारों में बन सकते हैं। मैंने भी एक महंगा परफ्यूम सेलेक्ट किया है, टॉम फोर्ड। देखते हैं कितने में बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद सजाद रहमान। सजाद रहमान साहब, जो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया ठीक बताया? बिल्कुल जी, 100% ऐसे ही है। यहाँ पे लाखों के हज़ारों के ब्रांड आपको सौ में हज़ारों में मिल जाएंगे जी। हज़ारों का सौ में और लाखों का हज़ारों में, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसा आपने बताया कि टॉम फोर्ड का ब्रांड चाहिए, वो तकरीबन लगभग 25,000 से स्टार्ट होता है उसका, और लाखों में उसका ब्रांड एक चलता है। तो वो हम यहाँ पे आपको रेडी करके देंगे, तकरीबन 18 से 15 से 2,000 तक ये बहुत अच्छा बन जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर डे की वारंटी होगी उसकी। पूरा दिन आप परफ्यूम लगा के अपने ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शोखी मार सकते हैं जी। बिल्कुल ऐसे, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर इसको ज़्यादा भी बेहतर किया जाए तो 24 वाले भी बन सकता है, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, वो 3,000 तक हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो फिर हम बनाना स्टार्ट करें, हम दिखाते हैं अपने। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम अभी टॉम फोर्ड बनाने लगे हैं। टॉम फोर्ड ग्रीन वाला है, लेडीज वाला, ये हम बना रहे हैं। इसमें ये होती है 100 ml की बोतल होती है, इसमें जो रियलिटी में खुशबू पड़ती है 25 ml वॉल्यूम होता है इसका, जो हम मैनेज करके चलते हैं इसको ना। बेसिक आपने डालना है वो 25 ml। ये होती है 12 ग्राम की बोतल है। अमूमन लोग इस तरह से फिल नहीं करते, इस पैमाने से करते हैं, इसमें कम पड़ता है, वो बेईमानी वाला सिलसिला चलता है, वो हम नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ये 12 ग्राम हम खुशबू इसमें डाल रहे हैं। ये टॉम फोर्ड का ग्रीन वाला लेडीज, ये हो गया जी 12 ग्राम। फिर इसमें 12 मजीद मिलाएंगे तो ये आपका 25 ml ओके हो जाएगा। ये बेस है, ये बेस है खुशबू की, बेस ही यही है, इसको टून कहते हैं ना, बेसिकली खुशबू यही है, बेस उसकी यही है। अब इसमें हमने मिलानी है अल्कोहल, अगर आप कहेंगे अल्कोहल वाला भी बन जाएगा, विदाउट अल्कोहल वो भी मिल जाएगा। अल्कोहल होता है वो ज़्यादा लास्ट करता है, लास्टिंग ज़्यादा करता है, लेकिन वो हराम और मामला चलते हैं, हलाल हराम के वो चलते हैं। इसमें अगर आप इतने मतलब जितना ये मैयर करके इतना डालें तो कितनी देर तक चलेगा परफ्यूम, कितने घंटे चलेगा? अगर दो डबल करें तो कितना? हमने जो दो मिलाए हैं ना, ये आपका 12 घंटे तो इजीली निकल जाएंगे इसके। एक दफ़ा हम रेडी करेंगे, चाहे वो केमिकल में मिलाएं चाहे अल्कोहल में मिलाएं, वो आपका 100% ही वो 12 घंटे से कम नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर वो निकला है तो हम मनी बैक गारंटी भी देते हैं इसको। क्या बात है। ये बना रहे हैं हम इसमें, अब ये विदाउट अल्कोहल वाला बना रहे हैं। ये ले जी, ये हमने विदाउट अल्कोहल है। अब इसको सही में फार्मुलेशन करनी है तो इसके साथ हम अल्कोहल भी ऐड करें, ज़्यादा अल्कोहल होती है। अब ये इसकी कंप्लीट फार्मुलेशन इसकी ये रेडी हो गई है। कितने ml बना? ये 100 ml बनेगा आपका। 100 ml बनेगा, 100 ml आपका बनेगा, और ये इंजेक्शन से फिलिंग होगा इसका। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि बेस की वजह से ज़्यादा टाइम निकालता है या अल्कोहल की वजह से, और अल्कोहल की वजह से भी, क्योंकि इम्पोर्टेड परफ्यूम अल्कोहल के बगैर बनते नहीं है वो, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा होंगी तो परफ्यूम अच्छा। ये अल्कोहल में 100% प्योर अल्कोहल होगा, साथ ये केमिकल फिर भी मिलाना पड़ेगा, ये केमिकल होता है फ्लो करने के लिए, फैलाने वाला, ये वो चीज़ है। अब ये देखें, ये हम इसको मिला के अब इसको फिल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स इतने सस्ते भी बन जाते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बेस इसकी सस्ती है, फार्मुलेशन उन्होंने जो ब्रांड निकाले हैं उसकी प्राइस ब्रांड की होती है असल में। ओरिजिनल है ये, कॉपी शॉपी वाला सीन है? नहीं, ये कॉपी वाला ही सीन कह सकते हैं आप। ओरिजिनल नहीं वाला, ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना, वो तो लाखों में ब्रांड निकालने, उसकी बोतल में भी चार्जेस आएंगे उसमें, और उसकी अंदर परफ्यूम की बात कर रही हूं। परफ्यूम ओरिजिनल है उसकी, 100% बेस इसकी ओरिजिनल है, जो रियलिटी में पड़ती है टॉम फोर्ड के ब्रांड में, ये बेस सेम वही है 100% फ्रेंच है ये भी। बॉटल्स वगैरह जो है वो मर्जी की ले लें, क्योंकि वो बोतलें मिलती नहीं है, जैसे महंगे ब्रांड होंगे वो जो कबार वाले भी है ना, वो महंगा रेट लगाते हैं उसका, वो महंगी बेचते हैं, तो इधर इतना कस्टमर खर्च नहीं सकता पैसे, तो इसलिए नॉर्मली बोतल लगा देते हैं जो 100-150 के लगभग मिल जाए, वो इजीली इसका। फिर परफ्यूम, बेसिकली परफ्यूम लेना है, नाज़रीन हमने लेना है परफ्यूम, हमें महकना है, हमें खुशबू आनी चाहिए, ताकि हम जहाँ से हमसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सा परफ्यूम है। बोतलें थोड़ी साथ में लेके फिरनी हमने, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, ये तैयार कर रहे हैं हम। एक चीज़ इसके पे और आपने ऐड करनी है, फिल जब हम कर लेंगे ना तो
तो इसको जब आप घर लेके जाएं, इसको तकरीबन 24 आवर फ्रीजर में ज़रूर रखें। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह से ये इसके केमिकल सारे यकजान हो जाएंगे और आपको जेन्युइन का टेस्ट आएगा, 100% प्योर वाला मिलेगा आपको रिजल्ट। लेकिन उनका कहना है कि तीन चार चीज़ें ऐड की गई हैं और उनकी जब प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आप मतलब मिक्स हो जाएंगी तो फिर वो अच्छी चीज़ निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। टॉम फूड जो है वो मेरे लिए तैयार हो रहा है और ये एक्सपेंसिव परफ्यूम है, बट उन्होंने बताया कि 1800-2000 में तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप अल्कोहल की मकदार ज़्यादा इसमें ऐड करवाते हैं या बेस की मकदार ज़्यादा ऐड करवाते हैं तो फिर उसकी प्राइस उस तरह से इंक्रीज़ होगी, लेकिन फिर भी 20-25 हज़ार से तो कम ही होगी। हाँ, वो तो उसकी रियलिटी में कीमत जो है वही है, इसकी लास्टिंग का फ़र्क पड़ेगा ना। अब जैसे हमने ये 25 ग्राम खुशबू डाली है इसमें, अगर हम इसको 50-50 कर लेते हैं तो वो कपड़े धोने के बाद भी खुशबू इसकी आएगी, क्योंकि आम रेशो की अभी क्या रेशो रखी? अभी रेशो हमने 25% की रखी है, जो रेगुलर नॉर्मली होती है पाकिस्तान में, ओरिजिनल में नहीं। ओरिजिनल का तो वो फार्मूला पर कायदा तैयार करते हैं, कुछ दिन किसी चीज़ में किसी दिन में, स्टेप बाय स्टेप वो काम करते हैं अपना। अच्छा, एक और चीज़ सजा साहब ने भी क्लियर की थी कि जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ना परफ्यूम में, तो ये जेन्युइन जान है की जान है, और जब तक ये रहेंगे समझे ये पावर्ड है इसकी। मतलब ये कि ये इसके जेन्युइन होने का भी तरीका, आप कहीं परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं तो आप बबल्स बना के देख लें कि इसमें बबल्स आते हैं कि नहीं आते, जब तक ये हैं तब तक परफ्यूम है। ये जी ये देखें आप, ये बबल्स हैं, ये आप चेक करें, ये इसकी पावर होगा। अमूमन लोग आपको ये नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा क्योंकि तरीकाकार है, मैं छुपाता कस्टमर से कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसको बताता हूँ सही तरह से कि असल परफ्यूम आपका कैसे तैयार होगा। जी टॉम फोर्ड मेरे लिए तो तैयार हो गया, बट एक परफ्यूम जो है वो मैं और तैयार करवाना चाहूँगी, वो है एवेंटस क्रीड, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है और भाई मेरी फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, मेल्स में भी कर रहे हैं फीमेल्स भी कर रहे हैं, तो मुझे तो वो बनवाना है भाई, देखते हैं। अच्छा जी ये तो मेरा तैयार हो गया, ये देखिए ये तैयार हो गया। वाह सेम, ओ माय गॉड, और इतना सस्ता और इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मुझे अपनी ओके अच्छा आपकी शॉप मुझे डिटेल्स में बताएं, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि ये वीडियोस देखे लाजमी आएंगे लोग, बहुत ज़्यादा है। शालमी में दुकान है, ये शालमी एंटर होएंगे तो लेफ्ट हैंड पे अल अजीज़ ऑप्टिकल वाले हैं, उनकी बिल्डिंग है अजीज़ बिल्डिंग, उसके अंदर है मकबूल परफ्यूम, उसके नाम से हमारी शॉप है, आप आएँ विजिट करें, इंशाल्लाह आपको मयारी और सस्ती चीज़ मिलेगी। अच्छा जी अब ये देखें, बॉटल्स कुछ ओपन भी हो जाती हैं ईजीली, हम ये जैसे ऑब्सेशन की एवेंटस बनाने जा रहे हैं, क्रीड बना रहे हैं, बॉटल हमारी ऑब्सेशन की है, परफ्यूम हमने एवेंटस का बनाना है, बॉटल कोई भी हो हमें परफ्यूम चाहिए, हमें परफ्यूम चाहिए, सस्ता मिल रहा है ना। जी जी क्यों नहीं। अच्छा इसकी क्या मार्केट प्राइस और दूसरी बताइए? एवेंटस की प्राइस जो है वो 85,000 होगी कम से कम, उसमें 50 ml होता है, 75 ml होता है, 100 ml होता है, उसी हिसाब से जो 100 ml है वो 85,000 रुपये का मिलेगा जेन्युइन। मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ वहाँ से महके, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब ये एवेंटस क्रीड का ये बना रहे हैं हम, समझ लीजिए आप 45,000 का मेरे से परचेज कर रही हैं, प्राइस इसकी आपको 2200 रुपये की पड़ेगी। एक चीज़ ये इसमें भी हम दो मिलाएंगे, ये चीज़ ये चीज़ ये आपका 25 एप्पल खुशबू आ गई, ठीक है जी। अब इसको हमने बनाना सिर्फ अल्कोहल में है और थोड़ा सा केमिकल हम मिलाएंगे, इसमें फिक्सर संदल ऑयल ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं, जो मूमन इसकी रेशो होती है, लोग नहीं बताते हम बताएंगे, क्योंकि छुपाने का फ़ायदा कोई नहीं, जिसने आना है ना आपके पास ही आना है, कि खुद से बनाने नहीं बैठेगा घर में, वही ना जिसको चीज़ सही मिलेगी वो खुद ही आएगा। शॉप में तभी आपके पास एक बड़ा पुराना कस्टमर भी खड़ा हुआ था ना, वो बड़ा पुराना हमारा 8 साल से चल रहा, वो टेरिडी हर्मस का वो शिदाई है, वो मेरा मेरे से टेरिडी हर्मस ही मांगता रहता है और उसकी 50% ही रेशो रखता है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, और ये 24 घंटे तक इसकी खुशबू आती है, ये देखें ना ये चीज़ ये देखें, अब ये इसमें हमने इंक्लूड कर दिया इसका, अब इसको हम वैसे ही मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह, बनेंगे बबल्स। तो वो फार्मूले के लिए मशीनें ले आए हैं, लेकिन वो मशीनों का फ़ायदा नहीं है, काम जो हैंड मेकिंग है हैंड मेकिंग ही चलेगी, ये चीज़
तीन चीज़ें हैं, एक तो बेस होती है परफ्यूम में, उसके बाद एक केमिकल ऐड करते हैं, फिर अल्कोहल होता है। अब बेस जितनी होगी, अल्कोहल जितना यूज़ होगा, उतना ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा उसको लेके चलना है। ऐसे ही है। अब ये परफ्यूम आपका तकरीबन रेडी हो गया। ये आपने एवेंटस क्रीड जो है ये कितने का देंगे? तो ये 2200 रुपए का बनेगा। कितने एमएल? ये 75 ml बना है जी। 75 ml। ये वाला हमारे पास जो टॉम फोर्ड ml है, टॉम फोर्ड का बनाया हुआ लेडीज का, जबरदस्त है वो भी। अब ये देखें, ये खुशबू आपकी जाएगी नहीं, ये भी आप चेक कीजिएगा, ये खुशबू आपकी गुजरते भी जाएंगे, खुशबू आती जाएगी। क्या बात है, मैं तो अभी से दीवानी हो रही हूँ। ये ऐसे ही परफ्यूम है, ये एवेंटस क्रीड, स्वैग, ये सारी ब्रांड, सब चीज मिलेगी यहाँ से आप। मुझे लगता है कि मैं कोसूंगी अपने आप को कि मुझे इससे पहले पता क्यों नहीं चला। बस अब पता चल गया ना, अब इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल कीजिए और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा इस चीज का। मैं भी अपने कलीग्स को, अपने जानने वालों को जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं जी, आप लेके आए इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ऐसे एक बात है, मतलब अक्सर इतने सारी खुशबुओं में रहने के बाद खुशबू जांचना, फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, होता तो है, लेकिन जिसको आदत पड़ जाए ना, उसके लिए कोई, ये फील्ड है मेरी, मुझे पता है टॉम फोर्ड का कौन सा है, होको का कौन सा है, एवेंटस का कौन। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब वो खुशबू सूंघता हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये फलां खुशबू है। सर में भी दर्द शुरू हो जाता है? वो शुरू में हुआ था, जब नया काम शुरू किया था तब होता था। कितने साल हो गए? हो गया जुकाम, अभी मुझे तकरीबन 30 था, हो गया साल 30 है। आपका ही था काम या फादर ने स्टार्ट किया था? नहीं, फादर ने खुद ही किया। मैंने आपने खुद किया था। अच्छा, ये आपके पास जितनी मटेरियल है ये कहाँ से आता है? ये फ्रांस से आता है, कराची से फिर हमारे पास पहुँचता है। रीजनल? हाँ, दुबई में भी इसकी मंडी है, वहाँ से भी हम कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, जहाँ से मिले अच्छी चीज़, मैं वही कायल करता हूँ उसी को ले, और रेट भी मुनासिब होता है कि कस्टमर ले ले इसको इजीली ना। तो आप अगर महंगा करके बेचेंगे तो कस्टमर की फोर्ड से बाइट हो जाएगा, वो कहेगा नहीं जी हमें फिर एक तोले में ही बना दो, तो वो फिर लास्टिंग नहीं करेगा। मेजरमेंट तोले में की जाती है? तोले में 12 ग्राम में कही जाती है, अदरवाइज अगर कुछ लोग ML में भी जाते हैं, लेकिन ML में काम आता है, ग्रामी में करेंगे आपकी वही टाइमिंग ज़्यादा बढ़ेगी। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका। कि नाजरीन, बहुत ज़्यादा खुशबू है यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब खुशबू आती है तो नेचुरली आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। तो मैंने तो दो परफ्यूम तैयार करवा ली हैं, एक की कीमत जो है वो एवेंटस क्रीड की 85,000, टॉम फोर्ड की 20-25,000 है, बट मुझे यहाँ से 1800-2000 में और एक 2200 में जो है वो मुझे मिला। आप भी यहाँ पर आएँ और लाजमी सजाद साहब की दुकान से परफ्यूम्स जो हैं वो बनवा के ले जाएँ। सजाद साहब खुद बहुत अच्छे हैं, खुद बहुत प्यारे हैं, आपको बनवाने में भी मज़ा आएगा और लेके जाने में भी मज़ा आएगा। तो ज़रूर आइएगा, मैं तो अपने परफ्यूम लेके जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।